Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صلوات الله محمد وآل محمد ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات برادران عزیز قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ زمر کی یہ آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور گزشتہ دو شبوں سے بلکہ گزشتہ تین شبوں سے یہی آیت تلاوت کر رہا ہوں اور اسی کے ضمن میں اپنے معروضات پیش کر رہا ہوں میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی کہ قرآن حکیم میں 1000 سے زیادہ آیتیں وہ ہیں جو قیامت آخرت حاشر ناشر صراط میزان بہشت اور دوزخ سے متعلق ہیں جو انسان کو اس کے انجام سے باخبر کرتی ہیں اور انسان کو خوش انجام بننے کی تلقین کرتی ہیں میں نے چاہا تھا کہ ان تین مجلسوں میں دلائل آخرت پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو ہو جائے مگر کچھ مجلسی تقاضے ہوتے ہیں کچھ آپ کے تقاضے ہوتے ہیں اور ان تقاضوں کے آگے کبھی کبھی مجبور ہو جانا پڑتا ہے اگرچہ آپ کے تقاضے بھی بے جا نہیں ہوتے مگر ممبر کے تقاضے زیادہ اہم ہوتے ہیں انسان کو اس سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہر آغاز کا ایک انجام ہے یہ جملہ خود ایک مستقل دلیل ہے کوئی آغاز ایسا نہیں ہے جس کا انجام نہ ہو ہر شے کا ایک انجام ہے انسان کا بھی ایک انجام ہے
इंसान का अंजाम बहुत कुछ उसके अपने हाथ में है। इस हकीकत से भी बेखबर नहीं रहना चाहिए। शैतान सबसे बड़ी कामयाबी यह हासिल कर लेता है कि इंसान की आँखों पर गफलत के पर्दे डाल देता है। सामने की बातें इंसान को समझ में नहीं आती, यही उसकी कामयाबी है। सामने की बातें समझ में नहीं आती, इंसान का अंजाम उसके हाथों में है, मगर इंसान इस हकीकत से गाफिल है। कभी इंसान फलसफे जबर गढ़ लेता है और अपने को मजबूर समझकर या मजबूर बताकर अपना अंजाम ख़राब कर लेता है। कभी इंसान सिरे से आखिरत का मुनकर हो जाता है और ये भूल जाता है कि ख़ुद उसका एक आगाज़ है, अंजाम का इनकार कैसे मुमकिन है। क़ुरान मजीद ने हर अंदाज से, हर उसलूब में, हर मुमकिन उसलूब में ज़हन इंसानी की तरबियत का सर व सामान कर दिया है। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, जिसको भी हम उम्र देते हैं फिर उस उम्र का अंजाम उसके सामने आता है, बुढ़ापा उस पर आता है। इस दुनिया में इस आगाज़ और अंजाम का तज़किरा इसीलिए किया गया है ताकि उस बड़े अंजाम से इंसान बाखबर हो जाए। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मुतवल्लिद हो और उसके बाद वफात ना पाए। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो पैदा हो और जवान ना हो, जवान हो और अधेड़गी के दौर से ना गुजरे, अधेड़ हो और बूढ़ा ना हो, बूढ़ा हो और मौत के आगोश में ना जाए। मुमकिन नहीं है। जिसका कदम गहवारे में आएगा उसका कदम गोर में भी जाएगा। हमेशा कोई गहवारे में नहीं रह सकता। किस भूल में है, किस गफलत में है, किस नशे में है, कौन सी मस्ती है। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ए इंसान तुझे कशा कशा आखिरत की तरफ ले जाया जा रहा है। कुरान है, कुरान है। आज आखिरी गुफ्तगू है। तबीयत बदस्तूर कमज़ोर है लेकिन कुछ मतालब अर्ज़ करूँगा। देखिए, मैंने एक जुमला बार बार कहा है और ये जुमला तहदीसे नेमत के तौर पर कह रहा हूँ कि ये जुमला आपको मुझसे पहले की किताबों में नहीं मिलेगा, मेरे बाद की किताबों में मिलेगा। जबर व इख्तियार के ताल्लुक से मैंने ये जुमला कहा कि रब अकबर मुख्तार है, उसने जो इंसान खल्क किया उसे भी मुख्तार खल्क किया। रब अकबर अपने इख्तियार से कभी एक लम्हे के लिए दस्तबरदार नहीं होता। इंसान के इख्तियार को कभी एक लम्हे के लिए सलब नहीं करता। जो इन दो मुतवाजी इख्तियारों के दरमियान खुशखरामी का सबूत दे दे, जो इन दो मुतवाजिन खतूत के दरमियान
कामयाबी से गुजर जाए, सफ़र तय कर ले, वही कामयाब है। ये जुमला मैंने मुकर्रर कहा है अपने इस दौरे मजालिस में, और इन्हीं दोनों जुमलों के सबूत में दो आयतें पेश कर रहा हूँ। खुसूसियत से आखिरत की तरफ ले जाने के लिए जो इख्तियार इलाही काम कर रहा है उसका इंतहाई दिलावेज बयान एक तो इस आयत में है, या अय्युहल इंसानो इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ए इंसान तुझे तेरे रब की तरफ जाना है, तू जा रहा है अपने रब की तरफ मशक्क़त के साथ मेहनत के साथ जा रहा है, और एक दिन वो आने वाला है कि जब तू अपने रब से मिलेगा, फमुलाकी मुलाकात करेगा, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन, जा रहे हो तुम, ये जा रहे हो एलान इलाही है, इस एलान इलाही के पीछे इख्तियार इलाही है। हिकमत इलाही है, हिकमत तकवीन है, निजाम तकवीन ऐसा बनाया गया कि जो यहां आया है उसे गुजरना है और पहुंचना है और जाना है उस मंजिल तक। उस खत का ऐलान कौन करे जहां इख्तियार बशरी सामने आए। मैंने कहा दो खत हैं, एक इख्तियार इलाही, एक इख्तियार बशरी। या अय्युहल इंसानो इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन, इख्तियार इलाही का ऐलान है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन इख्तियार बशरी का ऐलान है। ये हुस्न इख्तियार बशर है, हम तो उसके हैं और उसी की तरफ जा रहे हैं। क्या तराना है, क्या जमजमा है, क्या नशीद है, यह आहंग हयात है, इसमें शिकवा नहीं है, गिला नहीं है, शिकायत नहीं है, नाला नहीं है, नौहा नहीं है, बल्कि एक अजीब हुस्न इख्तियार, अजीब नशात सफर का ऐलान है, हम तो उसी के हैं और उसी की तरफ जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो इख्तियार इलाही है, या अय्युहल इंसानो इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ये इख्तियार बशरी है, दो इख्तियार वाज़े है। अपने इख्तियार से इंसान गाफिल ना रहे, अपने अंजाम से इंसान गाफिल ना रहे, पहुँचना है जिस मंजिल पर वहाँ शौक़ से पहुँचे, ज़ौक़ से पहुँचे, तैयारी से पहुँचे, आमादगी से पहुँचे, पहुँचने से पहले उस मंजिल को सजा ले तब पहुँचे। या आप घर तब्दील करते हैं, एक घर में रह रहे हैं, वो घर आपकी ज़रूरतों के लिए कम पड़ गया, छोटा पड़ गया, आपने दूसरा मकान ले लिया, आप उसमें यूं ही मुंतकिल हो जाते हैं, पहले मकान ख़रीद लेते हैं, फिर मकान को सजाते हैं, संवारते हैं, तमाम ज़रूरियात वहाँ जब पूरी हो जाती हैं, सारा इंटीरियर डेकोरेशन पूरा हो जाता है, सब कुछ जब आमादा हो जाता है तब आप उसमें कदम रखते हैं। वो दार आखिरत मकान बन के तैयार हो गया है, लेकिन उसमें कुछ इंटीरियर डेकोरेशन करना है। जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है, मैंने अर्ज कर, जन्नत तैयार है, मकान तैयार है, मगर जाना है तो जाने के लिए कुछ अपने ज़ौक के मुताबिक। अपने हुस्ने ज़ौक़ का तो मुजाहिरा करें, किसी को कुछ रंग पसंद होता है, किसी को कुछ रंग पसंद होता है, किसी को कुछ तस्वीरें पसंद होती हैं, किसी को कुछ और मुरक्के पसंद होते हैं, किसी को कैलीग्राफी पसंद होती है, किसी को
एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पसंद होता है जिससे घर को सजाते हैं, हर तरह की चीज़ें घर में लगाते हैं ना। अब ये अपना आपका ज़ौक है कि आप किस तरह की चीज़ें वहाँ के घर में देखना चाहते हैं, किसके मुरक्के देखना चाहते हैं, कौन से तुगरे देखना चाहते हैं, या क्या आप नहीं चाहते कहीं आयते तथहीर का तोगरा लगा हो, कहीं आयत मवद्दत का तोगरा लगा हुआ हो, कहीं आयत विलायत का तोगरा लगा हुआ हो, कहीं हमद इलाही हो, कहीं नात पैगंबर हो, कहीं मनकबत मासूम हो, नहीं चाहते आप? तो उसके लिए तैयारी करनी होगी, उस आयत को अपने विर्द में शामिल करना होगा, और फिर ज़बानी विर्द में शामिल नहीं करना होगा, पूरे वजूद से विर्द होता है, ज़बान से विर्द नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ज़बान से विर्द नहीं होता, पूरे वजूद से विर्द होता है। जो जुमला ज़बान पर हो वही जहन में हो, वही दिल में हो, उसी जुमले की मानवियत और नूरानियत पूरे वजूद में जारी हो, सारी हो, उसी जुमले की फजा वजूद पे तारी हो, तब विर्द होता है। मैं वो बाब नहीं खोलना चाहता, वो सब अलामतें आमिल हजरात के पास जब आप जाते होंगे तो वो कहते हैं ये आयत पढ़ो, आयत पढ़ने से पहले एक हिसार खींचो, और आप ज़मीन पे हिसार खींच देते हैं, सुभान अल्लाह। वो आमिल भी सुभान अल्लाह, ये अमल भी सुभान अल्लाह। हिसार अपने वजूद के गिर्द होता है, हिसार होता है एक फजा मुतय्यन करने के लिए कि जो जिक्र इलाही, जो विर्द इलाही है वो पूरी फजा उससे मामूर व मुअत्तर हो, अंदर से बाहर तक आप मुकम्मल अपने पूरे वजूद से विर्द करें। मालूम है जन्नत के दर्जात कितने, जन्नत के मरातिब कितने? मासूम ने बताया है 8 दरवाजे हैं जन्नत के, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, बाज़ रिवायतों में इसका तज़किरा है। लेकिन जन्नत के मरातिब कितने? कहते हैं जितनी कुरान की आयतें हैं उतने दर्जात हैं, और वहाँ दर्जे की बुलंदी के लिए बस एक इख्तियार दिया जाएगा, आवाज़ आएगी इक़रा वरक़ा, इक़रा वरक़ा, इक़रा पढ़ो, वरक़ा बुलंद हो। कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जात में बुलंद से बुलंदतर होते चले जाओ, इससे आसान कोई तरीका और मुमकिन है? मगर जो कुरानी पढ़ना ना जानता हो वो क्या करेगा वहां? कुरान, ये कुरान ये दस्तूर हयात दुनियावी भी है, और ये कुरान वसीले इर्तिकाए दर्जात बहिश्त भी है। इस कुरान से इश्क करें, लोगों को ज़ौक हो जाता है पैदा दीवान गालिब का, तो सफ़र हज़र में दीवान गालिब साथ रखते हैं, बार बार उसे पढ़ते रहते हैं, बात बात में शेर पढ़ते हैं, गालिब ने क्या अच्छा शेर कहा है, किसी को इकबाल से शौक़ व शगफ़ है, इकबाल का कुलियात साथ रखते हैं, इकबाल का कुलियात साथ रखना बड़ी सआदत है, इसलिए कि उसमें जिस किस्म की शायरी है, जो दावत है, जो पैगाम है, जो कुरान मजीद से इश्क है, जो अलाका है, और सबसे पहले वो रिश्ता जो उसमें बयान कर दिया है इकबाल ने, जो कुरान और हुसैन में है, ये इकबाली का मिसरा है ना, रमज कुरान अज हुसैन आमोख्तीम, रमज कुरान तो हमने हुसैन से सीखा है,
कुल्लियात इकबाल साथ रखा कीजिए, सिरहाने रखा कीजिए, पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए और इकबाल की फ़ारसी में जो शायरी है उसे समझने की कोशिश कीजिए। उर्दू में इकबाल वो सब नहीं कह सके हैं जो उन्होंने फ़ारसी में कहा है। फ़ारसी कुल्लियात पढ़िए तो जिसे ज़ौक़ पैदा हो जाए इकबाल का वो इकबाल को पढ़ता है, जिसे ज़ौक़ पैदा हो जाए गालिब का वो गालिब को पढ़ता है और बात बात में शेर पढ़ता है। काश ज़ौक़ पैदा हो जाए क़ुरान का, कलाम खुदा, कलाम खालिक, कलाम माशूक, और वो माशूक भी है आपका, आशिक भी है आपका। याद है मेरा वो जुमला जो मैंने गुलिस्तान ज़हरा में कहा था, उसने पहले ऐलान अपने इश्क़ मोहब्बत का किया है, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम हमारी मखलूक हो, हमने तुम्हें अपने हाथ से बनाया है, हमने तुम्हें अपने हाथ से बनाया है। हर खालिक को अपनी मखलूक से मोहब्बत होती है, हर खालिक को अपनी तख्लीक से मोहब्बत होती है, अल्लाह को आपसे मोहब्बत है। और इसीलिए जानते हुए कि तुम गाफिल हो, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो, फिर भी उसने तौबा और इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा खुला रखा। कभी तो ये बंदा पलट के आएगा और कहेगा कि परवरदिगार मैं नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, तुझ तक वापस आना चाहता हूँ। कैसा करीम है, कैसा करीम है वो रब। खुदा आशिक भी है माशूक भी है। आशिक तो वो है, माशूक आपको बनाना है, मसला ये माशूक आपको बनाना है। और जब माशूक बना लेंगे आप खुदा को तो फिर उसके कलाम से आपको इश्क होगा, फिर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे और जब कुरान पढ़ने का ज़ौक पैदा हो जाएगा तो फिर बहिश्त का खटका नहीं रहेगा। ये सोचिए ही नहीं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी जब बनी हमारे लिए है तो किसे मिलेगी, मिलेगी किसे, हमारे लिए बनी। अल्लाह को खुद रहना है क्या बहिश्त में, अल्लाह ने अपने लिए बनाया है या अल्लाह की कुछ औलाद है जिसके लिए बनाया है, अल्लाह के सगे बच्चे हैं कुछ जिनके लिए बनाया है, क्या यही तसव्वुर तौहीद है आपका। अल्लाह समद है, बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, किसी की अल्लाह के साथ खून की रिश्तेदारी नहीं है। तो अल्लाह और अल्लाह ला मकानी है, उसे मकान की जरूरत नहीं है, ना आज मकान की जरूरत है ना तब मकान की जरूरत होगी। बहिश्त उसने अपने लिए नहीं बनाई, बनाई है आपके लिए, तो बुख़ल क्यों करेगा देने में। बस अब हुनर ये दिखाना है हमें कि ज्यादा बड़े से बड़ा प्लॉट कैसे हमें मिल जाए। हुनर ये दिखाना है, हुनर ये दिखाना है कि ज्यादा बेहतर से बेहतर कसर किसका हो, हुनर ये दिखाना है कि ज्यादा बेहतर से बेहतर डेकोरेशन किसका हो। वो अपनी रियाजत पर है, वो रियाजत पर है। नमाज, दुआ, तिलावत कुरान, रोज़ा, एतिकाफ, हज, उम्रा, ज़ियारात, खुमस की अदायगी, ज़कात की अदायगी, ये सब वहाँ का डेकोरेशन की ज़रूरत है। अल्लाह को नहीं चाहिए ज़कात आपकी। मैंने कहा अल्लाह को मकान ही नहीं चाहिए, वो रोटी नहीं खाता, वो गोश्त नहीं खाता, उसे कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, कुरान मजीद में उसने ऐलान किया है। तो जब वो रोटी नहीं खाता, वो लिबास नहीं पहनता,
उसकी औलाद नहीं है, उसका ख़ानदान नहीं है, उसके न बेटे न बेटियाँ, तो उसे आपका खुमस किस लिए चाहिए, उसे आपकी ज़कात किस लिए चाहिए। वो कहता है कि आप तुम्हारा मकान जो है यहाँ उसमें पर्दे तो ढंग के लटकाओ, फानूस तो लगाओ, चराग तो लगाओ, अरे कुछ हमने किया है कुछ तुम भी तो करो। दिल नहीं चाहता अच्छे मकान में रहने का, बस दावत कुरान ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिसे आप जबर समझते हैं, जिसे आप तकलीफ समझते हैं, ये एक तरफ एजाज है, एक तरफ इनाम। क्या बात है, क्या बात है, भी है, इनाम भी है, क्या बात है। एक तरफ एजाज है एजाज, और एक तरफ इनाम है इनाम। क्या बात है इसमें। कुछ जवान आते हैं कहते हैं कि जी हमें बताइए वाकई क़यामत आएगी। न्यू जर्सी में एक बच्चा था, अब तो माशाल्लाह बहुत सालिह है, तब भी सालिह था, ज़रा कन्फ्यूज़ हो गया था, उसका नाम यासिर था मुझे याद है, बहुत सआदतमंद बच्चा है। उसने कहा कि मुझे तौहीद में कोई शक व शुबा नहीं है, नबूवत में कोई शक व शुबा नहीं है, मगर आखिरत क्यों आएगी। मैंने कहा क्या इम्कान आखिरत में शुभा है या वुकूअ आखिरत में। कभी होता है शुभा इम्कान में, यानी आप किसी चीज़ को गैर मुमकिन समझते हैं, जो मुशरिकीन बहाने किया करते थे। रसूल कहते थे तुम उठाए जाओगे कब्रों से, हश्र है, नश्र है, सिरात है, मीज़ान है, जन्नत जन्नत है, जहन्नम है। वो पुरानी बोसीदा हड्डियाँ लेके आते थे, कहते थे ये जो हड्डी बोसीदा हो चुकी है इसे कैसे खुदा दोबारा ज़िंदा करेगा। कुरान मजीद कहता है सूरह यासीन, तुम ये बोसीदा हड्डी दिखा रहे हो जब ये बोसीदा हड्डी भी न थी। कुछ न था, जिसने पहली बार तुम्हें बनाया वो क्या थक हार गया, अब उसके हाथ में हुनर नहीं रहा, दोबारा नहीं बना सकता। कैसी कैसी फितरी दलील है, कैसी फितरी दलील है, कैसी फितरी दलील है, फितरी दलील। यह है मंतिक वही, यह है मंतिक कुरान, यह है मंतिक फितरत, यह है लिसान फितरत। कुरान लिसान फितरत में गुफ्तगू करता है। ये तो इंशाअल्लाह लाहौर है, माशाअल्लाह लाहौर है, मदरसे हैं, उलमा हैं, इस मजमे में भी उलमा तशरीफ़ फरमाएं, कुछ अमामे नज़र आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हजरात हैं जो मैं जानता हूँ साहिब अमामा हैं मगर इस वक्त अमामे में नहीं हैं। कसरल्लाहु अम्सालहुम, परवरदिगार इनकी इनके जैसे उलमा और कसरत से पैदा करे, और मुआशरा इनके नूर इल्म से मुनव्वर हो और मुस्तफीद हो। खुसूसियत के साथ मैं जिक्र करूँगा कि जनाब आयतुल्लाहिल उग़मा मरजे तकलीद नायब इमाम हज़रत आयतुल्लाह हाफिज बशीर नजफ़ी साहब मुद्दल्लुहुल आली, जो इस वक्त नजफ़ अशरफ में तशरीफ़ फरमा हैं, और मुहाफिजीन दीन इस्लाम में से एक ज़बरदस्त मुहाफिज हैं, मुजाहिदीन में से एक ज़बरदस्त मुजाहिद हैं, मुज्तहिद मुब्तकिर मुजद्दिद हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मैं भी उसी फ़न का तालिब इल्म हूँ। इल्म उसूल में इनकलाब बरपा कर दिया है, उसूल फ़िक़्ह में मबानी को उलट पलट दिए, तजदीद फरमाई है इल्म उसूल फ़िक़्ह की, बहुत से नए नज़रियात उन्होंने पेश किए हैं। ज़ाहिर है कि ये बहस वो नहीं है कि मैं उनके नज़रियात पेश करूँ, उसूल फ़िक़्ह में उन्होंने क्या नए नज़रियात पेश किए हैं। उनके बिरादर अज़ीज़ और वकील व मुख्तार यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, परवरदिगार इनका साया बरकरार रखे और इनके दस्तो बाजू मजबूत हों। जामियतुल मुंतज़र मौजूद है, परवरदिगार उसको हमेशा मामूर रखे उलमा से, तलबा से,
और जहाँ जहाँ भी मुदर्रसीन हैं, उलमा हैं, उन सब का साया बरकरार रहे, सब महफूज रहें और सब महफूज रहें, इंसान महफूज रहे, ये अशजार महफूज रहें, दरख्त महफूज रहें, हैवानात महफूज रहें, माहौल ज़िंदगी महफूज रहे। हमारी तो दुआ ये है सब महफूज रहें। और ये आपको बताएं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये लिसान फितरत किसे कहते हैं, वही इलाही में जो मंतिक है, मंतिक वही क्या है, मंतिक कुरान क्या है, ये आपको समझाएं। बड़े बड़े गहरे मुअक्कद मुअव्वल मुश्किल मुबहम मसाइल कुरान मजीद बातों बातों में हल कर देता है, बातों बातों। जैसे ये अब आज तफसील से ज़ाहिर है तमाम दलाइल आखिरत जो मैंने तालीफ़ किए हैं वो जिक्र कर नहीं सकता, अब न ताकत साथ दे रही है और न वक्त में गुंजाइश है, मगर सरसरी तौर पे गुज़र रहा हूँ। लेकिन ये जुमले जो कह रहा हूँ ना, मैं ताली नहीं कर रहा हूँ, हर जुमले के पीछे एक बड़ा मुतालआ है, हर जुमले में कोई बात है जो आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। मुशरिकीन क्या कहते थे, वो बहाने ढूंढते थे तो इम्कान आखिरत में शुभा करते थे कि मुमकिन नहीं है आखिरत, इस मुमकिन नहीं है का जवाब कुरान ने इस तरह दे दिया कि अगर कहते हो मुमकिन नहीं है, अब भी हो सकता है कुछ ऐसे दीवाने हो जो समझते हो मुमकिन नहीं है, हम उन्हें दीवाना ही कह सकते हैं, दानिशमंद नहीं कह सकते, जो समझते हो मुमकिन नहीं है आखिरत, जिस अल्लाह सुबहाना व ताला ने पहली बार खल्क फरमा दिया उसे दोबारा खल्क फरमाने में क्या मुश्किल है। एक बार आप में अगर एक बार हुनर पैदा हो जाए, मांगे के उजाले की बात नहीं है, कोई ऐसा मुतशायर आपके सामने आए जो किसी और से कलाम कहलवा के किसी और का कलाम लाए और पढ़ के सुना दे, फिर आप उसे मिसरे तरह दे दीजिए, मियाँ इस मिसरे तरह में नए शेर कह दो, अब वो नहीं कह सकेगा, या उसी मिसरे उसी ज़मीन में उसी रदीफ काफिये में उसी बहर में कहे और दो चार नए शेर कह दो, बेटा गायब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ख़ुद ओरिजिनल पोएट हो, खुद शायर हो, खल्लाक हो, तो उसके लिए क्या मुश्किल है, जितने कहिए शेर कहता चला जाएगा। और हमारे इसी तरीके से कोई साइंटिस्ट है, एक बार अगर उसने एक एटम बम बनाया और वो कहीं इस्तेमाल कर लिया तो क्या दोबारा नहीं बना सकता, जिसने एक बार कामयाब हो गया तजर्बा। आप अपनी हिफाजत करें और समझें कि आपको क्यों तबाह किया जा रहा है। आपके हाथों में कुव्वत है, महफूज रखें इसे, इंसानों की खिदमत के लिए काम में लाएं। दुनिया आपसे इसलिए खायफ है, इसलिए आपको सफ़े वजूद से मिटा देना चाहती है कि उसको ये अंदाज़ा है कि आपके पास कुव्वत आ गई, जिसने एक बार बना लिया वो दोबारा भी बना सकता है। इसलिए वो चाहते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह हो जाए। हमारे जहीन बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, बाजारों में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, मस्जिदों में हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं, ये तबाही किस लिए मचाई है, इस्लाम की खातिर, मुसलमानों की हिमायत में है ये काम, मुसलमानों के मफाद में है ये काम। नऊज़ु बिल्लाह, आखिरत फरामोश हैं ये लोग, खुदा नाशनास हैं ये लोग, मोहम्मद अरबी रहमत आलम से इनका कोई रिश्ता नहीं है। मोहम्मद रहमत आलम है, इस्लाम ने जो रब्बुल आलमीन पेश किया है वो यहूदियों का रब नहीं है, यानी यहूदियों ने जो तसव्वुर रब पेश किया है वो अलग है, इस्लाम ने जो तसव्वुर तौहीद पेश किया है वो कुछ और है। इस्लाम का खुदा सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं, रब्बुल आलमीन है।
कोई उसका कलमा पढ़े तब भी रिस्क देता रहता है, कलमा ना पढ़े तब भी रिस्क देता रहता है। ये कौन पैदा हो गया जो खुदा के नाम पर लोगों को कत्ल करता फिरता है? रसूल का कोई कलमा पढ़े तो रसूल की रहमत उसको फैजियाब करती है, कोई कलमा न पढ़े तो रसूल की रहमत उसे फैजियाब करती है। रसूल जीने का हक देता है, ये कौन मुसलमान है जो जीने का हक सल्व करता है? इसका रसूल से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। रसूल तो मेरा रसूल रहमत है, खुल्क अजीम के दर्जे पे फायज है, कुरान गवाह है। और रसूल के जो सच्चे मासूम जानशीन हैं उनका किरदार देखो, उन्होंने अपनी गर्दनें कटाई हैं, दूसरों की नहीं काटी। दरमियान में ये जुमले आ गए तो अर्ज करता चला गया। बहरहाल मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा था, महवर गुफ्तगू ये था कि इंसान आखिरत फरामोश बनना चाहता है तो क्या क्या अय्यारियाँ करता है, वो इम्कान ही में शुभा पैदा करता है कि आखिरत मुमकिन कैसे है। कुरान ने कह दिया मुमकिन है, हर तरह मुमकिन है। ये इम्कान जहाँ जहाँ साबित किया है कुरान ने, वो तमाम आयतें समेट कर एक दलील बनती है। कौन सी दलील? उसे कहते हैं दलील कुदरत। यानी वो कादिर है, उसकी कुदरत में शुभा नहीं है तो फिर आखिरत में क्यों शुभा है? यह है दलील कुदरत, खुलासा दलील कुदरत। अच्छा अब इम्कान से आगे बढ़े। उस बच्चे ने मुझसे फौरन कहा, वो था जहीन, पढ़ा लिखा साइंस का स्टूडेंट था। मैंने उसके लिए वहां पांच मजलिसें, ये बात बरसों पहले केस वक्त याद आ गई, मेरा ख्याल है कि 92 की ये बात है, 92 में मैंने पांच मजलिसें सिर्फ उस बच्चे की खातिर आखिरत के मौजू पर न्यू जर्सी में आस्ताने जहरा में पढ़ी थी। उसने कहा नहीं, मुझे इम्कान आखिरत में शुभा नहीं है, वुकूअ आखिरत में शुभा है। मुझे मालूम है खुदा मेरा कादिर है, मुमकिन है सब कुछ, मगर क्यों वो हशर बरपा करेगा? आखिर क्यों, जरूरत क्या है उसे? जवाब बहुत सादा है, उसे न आज की जरूरत है न कल की जरूरत। आज भी हमारी जरूरत है, कल भी हमारी जरूरत। आज उसने क्यों पैदा किया हमें? उसकी जरूरत है, हम पैदा ना होते तो खुदा की खुदाई में खलल पड़ जाता। आज भी उसकी जरूरत नहीं, आशर भी उसकी जरूरत नहीं, ये दुनिया भी हमारी जरूरत, हाशर भी हमारी जरूरत। क्यों हमारी जरूरत? वुकूअ किस लिए होगा? इम्कान में शुभा नहीं है, वुकूअ में शुभा है। क्यों वुकूअ होगा? इसलिए वुकूअ होगा कि जिसने हुस्न इख्तियार का सबूत दिया है, खुशखरामी का सबूत दिया है, अच्छी तरह जिंदगी बसर की है, उसे इनाम नहीं मिलना चाहिए? और जिसने जुल्म किया है, सितम किया है, खुदा को बदनाम किया है, खल्क खुदा को परेशान किया है, क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? अल्लाह के अच्छे बंदों को इनाम भी मिलेगा, अल्लाह के बुरे बंदों को सजा भी मिलेगी। और ये बयान जहां जहां कुरान मजीद में है उस सब को जमा कर लीजिए तो दलील बनती है, दलील अदालत। अदालत इलाही का तकाजा है कि रोजे हशर बरपा हो। जो आखिरत को भूल कर
फलसफा जबर गह कर दुनिया में सिर्फ जुल्म करते रहे, उन्होंने तौहीद के बाद आदिल को फरामोश कर दिया। मगर याद रखें, आपके आदल को फरामोश कर देने से उसकी ज़ात गिरामी से सिफत आदल ख़त्म थोड़ी हो जाएगी। वो आदल है, उसका अदालत आदल उसकी सिफत ज़ात है। वो आदल नहीं, वो आदल है। वो आदिल नहीं है, आदिल है, आयने आदिल है उसकी जात, आयने आदिल है। कोई माने उसे आदिल या ना माने, उसकी अदालत का निफाज होगा। आज भी हो रहा है, कल भी होकर रहेगा। आज के दिन का भी वही, आज जो शब और रोज गुजर रहे हैं, इसका मालिक भी वही है, मगर खुसूसियत से रोजे जजा के मालिक होने का ऐलान क्यों किया है उसने? मालिक है यौमिद्दीन क्यों कहा? इसलिए कि आज उसकी अदालत पर्दे पर्दे में काम कर रही है। कल उसकी अदालत बेनकाब होगी। मालिक है यौमिद्दीन। इम्कान आखिरत का शुभा मिटा दलीले कुदरत से, वकूए आखिरत का शुभा मिटा दलीले अदालत से। और दलीलें हैं, अल्लाह सुबहानहु व तआला बखील नहीं है, गनी अलल इतलाक, फयाज अलल इतलाक, रहीम है, रहमान दुनिया व रहीम अल आखिरा। दरमियान से एक इबारत पढ़ रहा हूँ, एक तवील इबारत है जिसमें दरमियान से ये पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैंने रहमान दुनिया पढ़ा है। ये दलील है कि आगे पीछे कुछ और है। ये दुनिया, ये दुनिया जाहिर इस वक्त की दुनिया, उसकी रहमानियत का मजहर है। आखिरत उसकी रहीमियत का मजहर है। कैसे मुमकिन है कि कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता हो और दुनिया का कायल हो आखिरत का कायल ना हो? वो रहीम है, वो करीम है, वो सखी है, वो जवाद है, वो फयाज अलल इतलाक है। तो वो बस इतना नहीं करेगा कि अच्छे काम करने वालों को जो उन्होंने काम किया है बस वैसे ही जजा दे दे, और बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर देगा। वो कब देगा? वो देने के लिए कोई दिन मुकर्रर होना चाहिए ना। इसीलिए दलील रहमत भी मौजूद है। उसकी रहमत का तकाजा है कि हश्र बरपा हो। उसकी रहमत का तकाजा है कि रोजे हश्र बरपा हो। उसकी रहमत और लुत्फ और करम का तकाजा है कि दुनिया में फिराक शब फिराक से गुजरने वाले, कुलफतों से गुजरने वाले, तकलीफों को बर्दाश्त करने वाले, रंजो अलम और मुसीबत सहने वाले ईद हश्र मनाएं, जश्न महशर मुनाकिद हो और वो अपनी रहमत का भरपूर मुजाहिरा करे। जिस तरह अदालत आज पर्दे में है, रहमत भी बहुत कुछ पर्दे में है। उस दिन अदालत भी बेनकाब होगी, रहमत भी बेनकाब होगी।
होगी तो जहन्नम के शोले भड़केंगे, रहमत में नकाब होगी तो जन्नत की आराइश में इजाफा होगा। इसलिए तीसरी दलील आखिरत दलील रहमत है, दलील रहमत। ज़ाहिर है कि 14 की 14 दलीलें मैं ज़िक्र नहीं कर सकूँगा, इसलिए बयान को थोड़ा सा समेटता हूँ कि न इम्कान आखिरत में शुभे की गुंजाइश है न वकूए आखिरत में, मुमकिन भी है वाक़े भी होगा। अब ये बहस नहीं छेड़ूंगा कि औराफान इल्म इरफान नज़री में थियोरेटिकल मिस्टिसिज्म या नॉसिस जिसे कहते हैं, जिसे आम तौर पर तसव्वुफ कह दिया जाता है, तसव्वुफ़ नज़री, उसमें मौत की 5 किस्में बयान की गई हैं और कयामत की भी 5 किस्में। बस जिक्र करके बढ़ जाऊंगा, बयान थोड़ी कर सकूंगा, मेरी तबीयत पे खुद कयामत गुजर रही है। 14 दलीलें अपनी जगह, 5 कयामतें अपनी जगह। एक कयामत वो है जो हर आन हर लम्हा जिससे हम गुजर रहे हैं, हमारे सर पे कयामत खड़ी है और वो कयामत कुबरा होगी जो बरपा होगी। उसके बरपा होने में कोई शक और शुभा न इम्कान में है न वकू में, वो बरपा होगी। वहाँ सिरात है, मीज़ान है, वहाँ मुहाकमा है, फैसला है, मुकदमे पेश होंगे, सुनवाई होगी, गवाह तलब होंगे, फैसले होंगे, जजा मिलेगी, नुकसानों की भरपाई की जाएगी, तलाफी होगी। तलाफी माफात और इनाम अलग मिलेगा, सब कुछ होगा वहां। अब जब ये सब कुछ होगा तो सब कुछ तौहीद, तौहीद अपनी जगह, तौहीद अपनी जगह, तौहीद अपनी जगह, मगर ये सब काम अलग अलग हैं तो अल्लाह काम तकसीम करेगा या नहीं? यहाँ इस दुनिया में उसने काम तकसीम किया या नहीं किया? खालिक वो है, राज़िक वो है, मालिक वो है, आलिम वो है, शाफी वो है। बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर से क्यों दवा लेते हैं? जब आप बीमार पड़ते हैं, बड़े से बड़ा अहले तौहीद हजरत खादिमुल हरमैन को अगर हार्ट अटैक हो जाए तो काबे में लिटाया जाएगा या लंदन के हॉस्पिटल में? तौहीद का तकाजा तो ये है कि ले जाके खाने काबा के सामने रख दिया जाए, या अल्लाह तू शाफी है। और खुदा की कसम अगर किसी में इतकाद मुहकम हो और ले जाके वहां रख दे तो शफा लेके पलटेगा। काबा तो दूर की बात है, हम हुसैन के दर से शफा लेके आते हैं।
हमें अली के मरकज से शफा मिल जाती है। हमें हमें हुसैन और अली और मुस्तफ़ा बड़ी हस्तियां हैं, मासूम हैं, हुज्जत खुदा, वो खातिमुन्नबीन हैं, वो उनके वसी हैं, वो उनके नवासे हैं। अरे हमें तो अब्बास के दर से सब कुछ मिला। खुदा की कसम, खुदा की कसम मेंबर पे कह रहा हूँ, खुदा की कसम अब्बास के दर से सब कुछ मिल जाता है। मगर आम निज़ाम क्या है? आम निज़ाम यहाँ अल्लाह सुबहानहू व तआला ने निज़ाम क्या रखा है? वो इस्तिस्नाई कैफियतें हैं, वो इस्तिस्नाई सूरतें हैं। ये मुअज्जज़ात भी दलाइल तौहीद में से हैं। क्यों अब्बास के दर से शफा मिलती है? इसलिए कि अब्बास शहीद राह खुदा है। क्यों हुसैन के दर से शफा मिलती है? हुसैन शहीद राह खुदा है। क्यों मुस्तफ़ा के दर से शफा मिलती है? मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह है, खातिमुन्नबीयीन है। ये सब दलाइल तौहीद हैं, ये मुअज्जज़ात दलाइल तौहीद हैं, ये इस्तिस्नाई सूरतें हैं। आम निज़ाम इलाही क्या है कि उसने इस आलम को आलम असबाब बनाया है? शिफा चाहिए डॉक्टर के पास जाओ, इल्म चाहिए स्कूल में जाओ, इल्म चाहिए स्कूल में जाओ, उस्ताद तलाश करो। निज़ाम है, निज़ाम की पाबंदी करनी होगी। रिज्क चाहिए, मजदूरी करो, मेहनत करो, मुलाजमत करो, तिजारत करो। ये असबाब अल्लाह ने फराहम किए हैं, निज़ाम है ना। इसके बगैर राज़िक कौन? खुदा बिला शक। मगर रिज्क के असबाब फराहम किए है ना। सेहत लेनी है, डॉक्टर के पास जाओ, इल्म लेना है, मुअल्लिम के पास जाओ, रिस्क लेना है, असबाब रिस्क से वाबस्ता हो जाओ। जिस तरह यहां पर तकसीम उमूर है, वैसे ही वहां भी तकसीम उमूर है। अल्लाह सुभानहु व तआला मालिक है, यौमिद्दीन है, मालिक है, मालिक। फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान, ममलिकत पाकिस्तान का मालिक अगर आप तसव्वुर कर लें, हालांकि वो तसव्वुर तो होते, मालिक जनाबे जरदारी साहब सदर हैं, सदर ममलिकत, हाकिम भी वही हैं, चीफ जस्टिस साहब तो कोई और हैं, हैं कि नहीं? जरा चीफ जस्टिस को हटा के तो देख लें, वो कयामत बर्पा हो जाएगी हैं? तो अल्लाह सुबहानहु व तआला मालिक यौमिद्दीन है, सुराग रखो हाकिम यौमिद्दीन कौन होगा? इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा, बा खुदा दीवाना बाशो, बा मोहम्मद होशियार। खुदा मालिक है, मालिक वो बादशाह है, जो चाहे करे, हाकिम तो मोहम्मद होगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिरी फैसले कौन करेगा?
क्यों करेंगे? अल्लाह सुबहान व तआला ने हिदायत किसके ज़रिए से कराई? पूछेगा कौन, हमने जो सिखाया था वैसे ही किया या अदल बदल दिया? हमने जैसे नमाज पढ़ाई थी वैसे ही पढ़ते रहे या बदल दी? हमने जैसे रोज़ा रखा था वैसे ही रखा या बदल दिया? हमने जैसे हज किया था वैसे ही किया या बदल दिया? हमने जैसे सही की थी वैसे ही की या बदल दी? हमारा जो तर्ज ज़िंदगी था वही रखा या बदल दिया? हमने जिनको इज्जत दी थी तुमने उनको इज्जत दी के नहीं दी? हमने जिन्हें मदीने से निकाल दिया था तुमने बुला तो नहीं लिया? हाकिम मेरा मुस्तफा होगा, आला मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, हाकिम मेरा मुस्तफा होगा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिह। और अब जाहिर है तमाम जो बातें जितनी समेट सकूं समेट लूं। हुक्म तो बाद में होगा, हुक्म तो सबके आखिर में नाफिज होता है ना, पहले केस आता है सामने। और अगर कुछ तौल नाप की चीज़ है तो पहले तौला जाए नापा जाए फिर फैसला होगा ना कि कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो मीज़ान भी होगी वहाँ, तराजू भी होगी। ये कौन सी तराजू होगी? तराजू कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड बैलेंस। देखिए हर चीज के तौलने की तराजू अलग होती है। अब नए जमाने में लकड़ियों पे तो खाना पकता नहीं, ना कोयले पे पकता है, मगर अभी हमारे देहातों में कस्बात में पकता होगा। और जो लकड़ी पे पकता था क्या ज़्यादा लजीज मज़े का होता था। आप मुझे दकियानूसी कहेंगे, कह लीजिए, आपके कहने से मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पहले ही से नहीफ औजार है। वो गैस के खाने ने गैस का मरीज़ बना के रख दिया। गैस पे खाना पकता है, खाओ तो गैस की परेशानी हो जाती है, सीने में दर्द है। अब भाई आप लोग बहुत तारीफें करते हैं, मैं कुछ जुमले ऐसे आमदन कह के जा रहा हूँ कि बच्चों को कुछ मजाक उड़ाने का मौका भी तो मिले, वो हंसे भी तो। ये लकड़ियाँ तौली जाती थीं तो एक बड़े बड़े पल्लों की तराजू होती थी, उस पर लकड़ी तौली जाती थी, कोयला तौलने की तराजू अलग होती। और सोना खरीदने के लिए अगर आप जाइए और आप जिद कीजिएगा जी सोना उसी तराजू पे तौलो जिस पे लकड़ी तौलते हो, कैसा रहेगा? ठीक रहेगा ना? वो अदालत का तकाजा है, सुन्नत तब्दील नहीं होनी चाहिए, दस्तूर बदलना नहीं चाहिए। भाई हम तो लकीर के फकीर हैं। जिस तराजू पे लकड़ी तौलते हो उसी पे कोयला तौलो, जिस पे कोयला तौलते हो उसी पे सोना तौलो। और फिर जब कोई शेर कहे तो शायरी में भी वजन होता है। अब आप कसीदा लेके उस तराजू पे रख दीजिए, देखें वजन में है कि नहीं है। शायरी का तो खून हो गया, शुआरा जो नऊज़ुबिल्लाह शराब पीते हैं फिर जहर पी पी के ख़त्म हो जाएंगे,
कि जनाबे वाला ये क्या हो रहा है, शायरी को तौला जा रहा है किस पर, कोयला तौलने वाली तराजू पे। वहाँ भी वजन है, लकड़ी तौलने की तराजू अलग है। और लकड़ी तौलने की जो तराजू होती है उसमें जो पड़ले होते हैं वो भी लकड़ी के होते हैं, और सोना तौलने की जो तराजू होती है उसके जो पड़ले होते हैं वो बड़े लतीफ़ नाजुक होते हैं, और वो उस चीज़ के होते हैं जो देखने में भी सोनाई लगती है। और शेर शायरी चूंकि अल्फाज में होती है तो उसकी जो तराजू बनाई जाती है वो भी अल्फाज की बनाई जाती है। फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलात, ये तफ़ीलात जो हैं ये तराजू है अल्फाज की। तो जैसी चीज़ तौलनी होगी वैसी तराजू। तवज्जो रहे जवानों, कयामत में क्या तौला जाएगा, अमाल, नमाज तौली जाएगी, रोज़ा तौला जाएगा, हज तौला जाएगा, सही तौली जाएगी, जिहाद तौला जाएगा, हुस्न नीयत तौली जाएगी। जैसा अमल होगा वैसी तराजू होगी। हमारी नमाज के मुकाबले में कोई नमाज होगी ना जिसके मुकाबले में नमाज तौली जाएगी। हमारी ज़कात के मुकाबले में किसी की ज़कात होगी ना जिसके मुकाबले में ज़कात तौली जाएगी। हमारे रोज़े के मुकाबले में किसी का रोज़ा होगा ना जिसके मुकाबले में रोज़ा तौला जाएगा। इसीलिए कहा गया है अस्सलामु अलैकुम या मवाज़ीन अल अमाल, ऐ अमाल की मीज़ानों तराजू तुम पर सलाम। वो मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं जो मीज़ान की हैसियत रखते होंगे। सलावात पढ़ने मोहम्मद वाले। तो अब दो पैगाम हैं यहीं पर, एक सब के लिए है, नमाज वैसी पढ़ो जैसी अली पढ़ते थे, और जो पढ़ते ही नहीं उनसे कहना है कि क्या ले जाओगे जो तौला जाएगा। इसीलिए पहली मजलिस में कहा था कयामत के लिए कयामत की तैयारी करनी, नमाज नमाज नमाज। माएँ बच्चों को नमाज की तरबियत दें, बाप जो हैं वो बच्चों को कुरान की तालीम दें। गाफिल ना हो, सबसे बड़ा हक ये है कि आप अपनी औलाद को कुरान पढ़ा दें अज अव्वल ता आखिर। फ़ायदा क्या होगा कुरान पढ़ाने का, बहुत फ़वाद हैं। एक फ़ायदा ये होगा कि वहाँ ये बच्चा कुरान पढ़ता जाएगा और जन्नत में ऊपर उठता चला जाएगा। इक़्रा वरक़ा, पढ़ो आगे बढ़ो। हाँ शॉर्टकट है, बता देते हैं, वहाँ भी शॉर्टकट है, हर जगह शॉर्टकट। शॉर्टकट के ये मानी नहीं है कि सिरे से रास्ता ही तय ना करना पड़े, लंबा या छोटा कुछ रास्ता जरूर तय करना होगा। 1000 रकत नमाजें रात भर में नहीं पढ़ते, 100 रकत पढ़ो। 100 रकत नहीं पढ़ सकते, 10 रकत पढ़ो, 11 रकत पढ़ो। अब इससे भी कम क्या किया जा सकता है। कई घंटे की रात होती है, 12 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, कई मिनट होते हैं उसमें,
फिर वही पहली मजलिस आ गए। मैथमेटिक्स कमज़ोर है मुसलमानों की। उसमें 11 रकत नमाज पढ़ने में कई मिनट लगेंगे, इतना भी अल्लाह को नजर ना कर सको तो अल्लाह से मुंह है कुछ मांगने का? शर्म तुमको मगर नहीं आती? इतना भी ना मांग सकते? साल में 12 महीने, 12 महीने में सिर्फ 29 दिन या 30 दिन रोजे रखने, उसमें भी छूट है। बीमार पड़ गए तो मत रखो, बाद में रख लेना। सफ़र में चले गए मत रखो, बाद में रख लेना। ये नमाज जो है सफ़र में हो तो सफ़र में 17 रकत भी मत पढ़ो, बस 11 काफ़ी है। इस लुत्फ़ रहमत के बाद भी उस रब को याद ना कर सको तो हैफ है, फिर शर्म से खुद ही जहन्नम की तरफ जाना चाहिए। कुछ तो गैरत हो, कुछ तो गैरत हो। जबकि उसके बाद भी उसने तौबा और मगफिरत का दरवाजा रखा है। तौबा और मगफिरत, एक अस्तग़फिरुल्लाह वो सब कुछ बख्श देता है, खुदा की कसम, एक अस्तग़फिरुल्लाह। तो कुछ तो हो, पूरा कुरान नहीं पढ़ सके, शॉर्टकट सुन लो। उतना कुरान पक्का अच्छा नोक पलक से दुरुस्त याद कर लो जितना कुरान नमाज के लिए काफ़ी है। और सुनो, चुपके से कह रहे हैं कान में तुम्हारे, इसी में बिल्कुल आखिरी मर्तबे तक पहुंचा देंगे हम जन्नत के। इतने ही में अभी बता देते हैं, इतने ही में फुर्सत नहीं है पूरा कुरान पढ़ने की, फुर्सत नहीं है, बुढ़े हो गए, जबान मादरी जबान अरबी नहीं है, जबान टूटती नहीं, शीनकाफ दुरुस्त नहीं होता, 6666 आयतें नहीं याद हो सकती, सूरह अलहम की 7 आयतें और कुल हुवल्लाह, ये रट लो जो और नहीं कर सकता उसके लिए, जो जितना कर सकता है वो उतना करे, वरना खुदा के साथ बेइंसाफी नहीं अपनी जात के साथ बेइंसाफी करेगा। तुम जो कर सकते हो वो करो, जो जितना कर सकता है ये उसके और खुदा के दरमियान है। काजी और मौलवी कुछ नहीं कर सकता, हम ठेकेदार और इजारादार नहीं हैं, हरगिज नहीं। मराजे तकलीद इजारादार नहीं हैं, मराजे तकलीद तो फैसिलिटेट करते हैं, आपको सहूलत फराहम करते हैं, काम करने का सलीका बता देते हैं, बस ऐसे कर लो। इजारादार नहीं है, ये तसव्वुर न रखना कि इजारादारी है, ठेकेदारी है, नहीं, मराजे का ये काम नहीं है। मराजे तो मसला बता देते हैं, ऐसे कर लो, जो जितना करेगा बैनहू व बैन अल्लाह, उसके और खुदा के दरमियान। हमें थोड़ी हिसाब किताब लेना है आपका, हम तो खुद पता नहीं कहां किस हाल में खड़े होंगे, उम्मीद है अच्छी जगह होंगे। लेकिन जो नहीं कर सकता, बूढ़ा है, मेहनत मजदूरी करता है, खेतों में काम करता है, जो भी करता हो, अब वो नहीं पढ़ सकता, इतना रट ले। पूरे कुरान से 2 सूरे कसम खा के कह रहा हूं, खुलूस नियत से कुर्बतन लल्लाह, अल्लाह की खातिर, अल्लाह जानता है कि इससे ज्यादा वो रट नहीं सकता। जाए किसी मौलवी को पकड़े, मौलवी साहब मुझे आज अलहम सही सही याद करा दो, आज मुझे कुल हुवल्लाह सही करा दो, बस 2 रकत नमाज पढ़ना सही सिखा दो। फिर मालूम है, अब शॉर्टकट बता रहा हूं, सबको मत बताइएगा। जनाब सलमान की रिवायत है, रसूलुल्लाह ने पूछा भरे मजमे में, तुम में से कौन है जो शब भर इबादतें करता है,
तुम में से कौन है जो हमेशा पूरा कुरान खत्म करके सोता है? तुम में से कौन है जो हमेशा रोजे रखता है? बड़े बड़े बैठे रहे सर झुकाए, एक बूढ़ा सर उठा के खड़ा हो गया जिसका नाम सलमान था। और सलमान ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं, और क्या क्या चश्मकें थी सहाबा में भी, मैं क्या बताऊं आपको। फौरन दूसरे लोग खड़े हुए, या रसूल अल्लाह हमने अक्सर सलमान को दिन में खाते हुए देखा है, अक्सर रात को सोते हुए देखा है, कुरान भी बहुत कम पढ़ते हुए देखा है, और ये हमारे सामने दावा कर रहे हैं। हुजूर मुस्कुराए और कहा, कौन है तुम में लुकमान जैसी अक्ल रखने वाला जो सलमान की बातें समझ सके? कहा, सलमान तुम ही बताओ। देखो बस यहाँ पर मसला है, एक एक लफ्ज गौर से। कहा, या रसूल अल्लाह आप पर मुझे यकीन कामिल है, रसूल अल्लाह है, जो आप कहते हैं बरहक बजा। आपने जब से ये कहा कि जो शख्स हमेशा वुजू करके सोए, अल्लाह सुभानहु व तआला रात भर इबादत का सवाब देता है, मैंने कभी तर्क नहीं किया, इसलिए मुझे यकीन है मैं रात भर इबादत करता हूं। आपने कहा, जो हर महीने में तीन रोजे रख ले, अव्वल व वसत व आखिर में, उसे अल्लाह सायमुद्दहर शुमार करता है, यानी हमेशा रोजा रखने वाला उसे करार दे देता है अल्लाह अपने लुत्फ करम से। जब से आपसे सुना मैं पाबंद हूं, किसी एक बात के तो पाबंद हो, निरे बेअमल ना रहो। खाकी हैं, खाती हैं, गुनाहगार हैं, कमजोर हैं, हम क्या, हमारा वजूद क्या, हमारी बिसात क्या, जो कर सकते हैं करें। बैनकुम व बैन अल्लाह, तुम्हारे और खुदा के दरमियान कोई ठेकेदार नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुदा की खातिर अमल, अमल बगैर अमल आखिरत नहीं बनेगी। हर महीने में तीन रोजा रखना क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है? यूं जॉब पे जाते हैं और बॉस की खातिर एक पैर पे खड़े रहते हैं, और लंच करने का टाइम भी नहीं होता है तो कुछ नहीं, पसीना पोछते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और खुदा की खातिर तीन रोजे नहीं रख सकते? कुर्बतन इलल्लाह, खुदा की खातिर, ये मंजूर इलाही है। और या रसूल अल्लाह जब से आपने फरमाया कि जो शख्स कुल हुवल्लाहु अहद तीन मरतबा पढ़ ले उसे खत्म कुरान का सवाब मिलता है, मैं हमेशा सोने से पहले तीन मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के सोता हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं खत्म कुरान करके सोता हूँ। आप शॉर्टकट समझे आप, मैंने कहा था इतने ही में वहां तक पहुंचा दूंगा। कुरान ने यही है ना हदीस में, इकरा वरका, पढ़ो आगे बढ़ो। कोई जो है वो हिफ्ज किए होगा, रटे होगा कुरान बिस्मिल्लाह से वन्नास तक, एक एक आयत पढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और कोई ऐसा होगा एक बार कुल हुवल्लाह पढ़ी और तीन मंजिलें आगे, दूसरी कुल हुवल्लाह पढ़ी और आगे, तीसरी कुल हुवल्लाह पढ़ी पूरी बहिश्त कब्जे में किए बैठा होगा। इकरा वरका, मगर कुल हुवल्लाह तो सही हो, कुल हुवल्लाह मत कहना, कुल हुवल्लाह अहद। ये उलमा तशरीफ फरमाए, इनसे पूछिएगा, आप लोग जब जाते हैं अमेरिका, जो बच्चे जाते हैं, जवान जाते हैं जॉब के लिए, सर्विसेज के लिए, वो क्या करते हैं, अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं, वो चाहे उनकी मादरी जबान पंजाबी हो, सरायकी हो, गुजराती हो, कच्ची हो, मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, सिंधी हो, उर्दू हो, कोई जबान हो, क्या फर अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश सीख लेते हैं। और अगर यूरोप में जाना हो, इंग्लैंड में, तो फिर इंग्लिश एक्सेंट में।
ब्रिटिश एक्सेंट में, जर्मनी जाना हो तो डच लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं, फ्रांस जाना हो फ्रेंच सीख लेते हैं, जहाँ जाना हो सीख लेते हैं। अब वहाँ जाना है वहाँ की जबान नहीं सीखने का दिल, अल्टीमेटली तो वहाँ जाना है, वहाँ की जबान सीखने का दिल नहीं चाहता वहाँ के एक्सेंट में। जो कही नहीं सकता काफ वो माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन जो मेहनत ही ना करे, मेहनत शर्त है मौलाना, मेहनत शर्त है। ये नहीं कि हम इस इलाके के रहने वाले हैं हमसे तो काफ बनता ही नहीं, कैसे नहीं बनता है? फर्क दोनों में कितना अजीम है। अरबी जबान में एक जेर जबर में फर्क हो जाता है, और मैं बताऊं काफ और काफ में कितना फर्क है। काफ दो नुक्ते वाला बड़ा काफ यूं घुमा के जो लिखा जाता है गोल मूड़े के साथ उस काफ से कुल जो है वो सेगे अम्र है काला यकूलों से, काला कहा यकूलो कहता है, कुल कहो से कुल, कुल अगर छोटे काफ से जो यूं खेच के लिखा जाता है कशिश वाले मरकज के साथ छोटा काफ, वो कुल से जब काफ लाम लिखेंगे तो कुल है सेगे अम्र अकला या अकलो से कुल खाओ। भाई इसके आगे आया तब मैं कुछ कहूंगा नहीं, जेरे मिंबर तो कह देता हूं, मगर आप लोग तो मिजाह बर्दाश्त कर लेते, इतनी लतीफ़ तबीयत तो है आपकी, तो मैं तौबा करके इस्तग़फ़ार करके कह दूं, कुल हु अल्लाहु अहद कहो कि अल्लाह एक है, कुल हु अल्लाहु अहद क्या तर्जमा करें, नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, एक ही तो है, कोई दो चार दस तो है नहीं कि गरा गुजरेगा, खा जाओ। नऊज़ु बिल्लाह है, कितना अजीम फर्क हो गया, हुआ या नहीं है? जो लोग नहीं मेहनत करते इंदल्लाह जवाब देंगे। सबको मेहनत करनी चाहिए, और सिर्फ कुल हु अल्लाह सही कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह की खातिर के अल्लाह को पसंद है सीख लीजिए, जन्नत के आखिरी दर्जे तक पहुंच जाएंगे इस कुल हु अल्लाह के सहारे से। बस गुफ्तगू खत्म कर दी मैंने, अमल के बगैर आखिरत बनने वाली नहीं, अमल के बगैर ये दुनिया भी बनने वाली नहीं। दुनिया बगैर अमल के बन जाती है? जो लोग आखिरत के लिए कुछ नहीं करते दुनिया के लिए क्या क्या करते हैं, कैसी नादानी है, कैसी गफलत है, कैसा धोखा है, खुद को धोखा दे रहे हैं किसी और को नहीं धोखा दे रहे हैं। बस जनाब सलमान की हदीस यहीं रुकी नहीं है तो मेरी मजलिस यहाँ कैसे रुक जाएगी। जनाब सलमान ने जैसे ही कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया है कि कुल हु अल्लाह जो तीन मरतबा पढ़े, कुल हु अल्लाह एक बार कुल हु अल्लाह पढ़ने का सवाब थुल्स कुरान ख़त्म करने के बराबर है। जो एक बार कुल हु अल्लाह पढ़े गोया उसने वन थर्ड कुरान पढ़ लिया, जो दो बार पढ़े उसने टू थर्ड, जिसने तीन बार पढ़ा उसने पूरा कुरान। या रसूल अल्लाह मुझे ये भी याद है आपने उस वक्त फरमाया था ऐ अली तुम्हारी मिसाल कुल हु अल्लाह की सी है। ऐ अली तुम्हारी मिसाल कुल हु अल्लाह की सी है। रसूलुल्लाह की हदीसों का जखीरा देखिए, अली को कैसी कैसी मिसालें दी है, कभी अली को कुल हु अल्लाह के मिसाल में पेश किया, कभी अली को काबे जैसा बताया। अली तुम्हारी मिसाल वही है जो काबे की मिसाल है, ये याद रखिए। सारी दुनिया काबे तक जाती है, काबा किसी तक नहीं जाता। और काबा जो काबे न जाए मुकद्दर उसका खराब होगा, काबे का खराब नहीं होगा। यहाँ इस हदीस में फरमाया या अली तुम्हारी मिसाल कुल हु अल्लाह की मिसाल है, इसलिए कि जो तुम्हें जबान से चाहे वो ईमान के वन थर्ड दर्जे पर फायज हो जाएगा, सुल से ईमान पर। जो जबान के साथ दिल से भी चाहे वो दो सुल से ईमान पर फायज होगा। जो तुम्हें जबान से भी चाहे दिल से भी चाहे और पूरे वजूद से चाहे अमल से चाहे आजाओ जवारे से तुम्हारी मोहब्बत जाहिर हो वो कुल ईमान के दर्जे पर फायज होगा।
बस गुफ्तगू ख़त्म हो गई। आखिरत उसी की समर जाएगी, उसकी समर जाएगी जिसके पास अमल भी हो और विलायत अली भी हो, विलायत अहले बैत हो। उसके बाद हाकिम यौमिद्दीन के पास पहुँचे, यानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम। और जिसे हाकिम बख्श दे या हाकिम जिसके हक में फैसला कर दे, उसे मालिक कितना कुछ देगा कौन बता सकता है, कौन बता सकता है। मगर बस बात आखिरत की है तो एक बात अर्ज करता हूं। रिवायतें जब पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि ये साहब रिवायतें ज़ईफ़ हैं। आप लोगों ने मनगढ़ंत कर ली, कोई रिवायत में नहीं पढ़ता इस वक्त। इंसानों एक सवाल करता हूँ, ये बताओ छोटे बड़े सारे गुनाह रूए ज़मीन पर हो रहे हैं और जुल्म हो रहे हैं, हर मज़लूम ये आस लगाए बैठा है कि आखिरत में उसका फ़ैसला होगा, ये बताओ जहरा का फैसला होगा कि नहीं। मुझे नहीं मालूम, रिवायत की बात नहीं कर रहा हूं इसे। ये बताओ हुसैन का फैसला होगा कि नहीं। और फिर किन किन बातों का फैसला होगा। अकबर के सीने पे जो बर्छी लगी थी, जुल्म था या नहीं था। कासिम का लाशा जो पामाल हुआ है, जुल्म था या नहीं था। छमाहे असगर के गले पे जो तीर लगा है, इसका फैसला आखिरत में होगा कि नहीं होगा। और इसीलिए खुदा करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और जजाए खैर दे शायर सफीना हज़रत कासिम शब्बीर नकवी नसीराबादी को। क्या कयामत का शेर कह गए हैं, कहते हैं हशर तक सोच अदल इंसानी, हाशिर तक सोच आदले इंसानी, सिर्फ असगर का खूबहा क्या है। रिवायतें नहीं, उमूम आयात कुरानिया। आखिरत में, आखिरत में तुम हमारे मातम से घबराते हो, तुम हमारी आहोजारी से घबराते हो, तुम हमारे नालाओ शेवन से घबराते हो, तुम हमारे नौहे मरसिये से घबराते हो। खुदा की कसम जब हाशिर में जहरा फरियाद करती हुई आएगी, आलम हाशिर आलम अज़ाए हुसैन होगा। आलम हाशिर, क्या हाशिर बरपा होगा, हाशिर में क्या हाशिर बरपा होगा जब हुसैन का लहू भरा कुर्ता लेकर जहरा आएगी, जब असगर का जला हुआ झूला लेकर रबाब आएगी। बस पढ़ने की ताकत नहीं रह गई, खत्म हो गई मजलिस, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपका ज़ौक़े अज़ा, खुदा इसमें बरकत अता फरमाए, खुदा आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, खुदा इस शऊर को तमाम इंसानों में आम करे कि वो शऊर आदल के साथ ज़िंदगी बसर करें, अमन व आफियत के साथ ज़िंदगी बसर करें, मोहब्बत व मुरव्वत के साथ ज़िंदगी बसर करें, जिए और जीने का हक दूसरों को अता करें। बस गुफ्तगू ख़त्म हो गई इसी पैगाम के साथ। किस किस का जिक्र होगा रोज़े आखिरत। किसी मौके पर मैंने कहा था, हज़रत हुज्जत का तज़किरा था,
कि जब हज़रत हुज्जत तशरीफ़ लाएंगे तो हमारी रिवायतों में है वो करबला के शहीदों का बदला लेंगे। तो मैंने एक जुमला कहा था, आका मक्तूलीन का क़िसास लेंगे ना। बीबियों के सरों से जो चादरें छिनी है इसका क्या एहसास होगा। रसूल जादियों के बाजुओं में जो रसन बदी है इसका क्या एहसास होगा। कल दो सफर थी, मैंने जिक्र किया था पहली या दूसरी सफर, बहुत सी रिवायतों में पहली सफर को काफिला शाम में पहुंच गया, जैनब दरबार में गई, दरबार में जो जो जैनब ने देखा उसका फैसला कब होगा। तख्त पर यजीद है, तख्त के नीचे सरे हुसैन है, लबो दंधाने हुसैन से यजीद बेअदबी कर रहा है, उसका फैसला कैसे होगा। आने दो हश्र, आने दो, हम वहां भी मातम करेंगे, आने दो हश्र, बर्पा होगी कयामत में, कयामत बर्पा होगी। और बस आखिरी जुमले कह रहा हूं, मुझसे फरमाइश की गई कि आज हुसैन की 4 साल की बच्ची की शहादत पढ़ दूं। अब पढ़ने की सकत नहीं आए। ये शाम जो काफिला पहुंचा ये जिंदान में रखा गया, जिंदान का मंजर क्या है, जिंदान का मंजर क्या है। सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन एक मर्तबा फूफी को देखते हैं, फूफी बैठकर नमाज पढ़ रही है, फूफी बैठकर नमाज पढ़ रही है। बेख्तियार सवाल किया, फूफी अम्मा आज तक आपको बैठ के नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। कहा बेटा, करबला से आज तक आबो दाना इतनी कम मकदार में आता है कि जो काफिले के बच्चों के लिए काफी नहीं होता। मैं अपने हिस्से की गजा बच्चों में बांट देती हूँ, अपने हिस्से का पानी बच्चों को पिला देती हूँ, अब मुझ में ताकत नहीं रह गई कि खड़े होके नमाजें पढ़ सकूं। अब माहौल समझ में आया, जिंदान का माहौल क्या है, आबो दाना कम आता है, पानी जी भर के पीना मयसर नहीं है। ये 4 साल की बच्ची कब तक प्यास बर्दाश्त करे, कब तक भूख बर्दाश्त करे। एक मर्तबा बच्ची ने रात में रोना शुरू किया, हाकिम की नींद में खलल पड़ा, हाकिम ने हुसैन का सर भिजवा दिया इस तरह ढक के जैसे बच्चे समझे कि खाना आया है। हुसैन का सर आया, यही तारीखें थी, गालिबन सफर की 5 तारीख है या 6 तारीख है या 4 रही होगी, जब बच्ची के सामने रात की तारीखी में बाबा का सर आया है। और जब खानपोश हटाया गया और बच्ची ने देखा बाबा का सर, तड़प गई, अपनी प्यास भूल गई, बाप के रुखसार में रुखसार रखा, बाबा तुम आ गए। बस बच्ची ने बाप के होठों को बोसा दिया, रुखसार को बोसा दिया, बाप से मुनाजात शुरू की, करते करते बच्ची खामोश हो गई। ज़ैनब आगे बढ़ी, सज्जाद अरे भाई की अमानत रुखसत, भैया की अमानत रुखसत हो गई,
भैया की अमानत रुखसत हो गई, हशर में ये जिक्र होगा और हशर में सज्जाद ये कहेंगे कि जब मैंने बच्ची को गुस्ल दिया है, पैरान जिस्म से इस तरह चस्पाता लहू से कि पैरान जुदा नहीं होता था, उसी पैरान में दफन किया। वाह हुसैना, वाह सैयदा, वाह मोहम्मद। أجركم على الله.